नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सुधा ने नाश्ते के बाद सामान की लिस्ट बनाई। उसके बाद वो अपनी सास सरला जी के कमरे में गई। सरला जी आंखों पर चश्मा चढ़ाए अपने मनपसंद उपन्यास के किरदार में खोई हुई थी। उपन्यास के पन्नों के बीच में उंगली फंसाकर उन्होंने उसे बंद किया और प्रश्न भरी नजरों से सुधा को देखते हुए बोली, क्या हुआ बहू? सुधा ने कहा, मम्मी जी मैं बाजार जा रही हूँ, राशन का कुछ सामान खत्म हो गया है और सब्जियां भी लानी है। आपको भी कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिए। सरला जी कुछ सोचते हुए बोली, मेरी मनपसंद मैगजीन का लेटेस्ट एडिशन आ गया होगा, वो लेती आना। और मेरा ड्राई फ्रूट वाला डिब्बा भी खाली हो गया है, तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ले आना। और मुझे लाल वाला अमरूद खाने का मन कर रहा है, तो अमरूद भी लेती आना। सुधा ने लिस्ट में ये सामान भी लिख लिए और बोली, बस मम्मी जी या कुछ और भी चाहिए? सरला जी फिर सोचने लगी और बोली, वो मुझे गुलाब जामुन भी खाने हैं, तो क्या तुम ला दोगी? बोलते हुए सरला जी के चेहरे पर संशय के भाव थे और कहने के ढंग में थोड़ा मनोहार भी था। सरला जी के चेहरे के भाव देखकर सुधा मुस्कुरा उठी। बुजुर्ग भी कभी बच्चे जैसे बन जाते हैं। सुधा थोड़ा सोचने का अभिनय करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं ला तो दूंगी, लेकिन पहले वादा करिए एक बार में ज्यादा मीठा नहीं खाएंगी आप। डॉक्टर ने आपको ज्यादा मीठा खाने से मना किया है ना? सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ नहीं खाऊंगी ज्यादा मीठा, बस सब मुझ पर ही शासन चलाने की कोशिश करते हैं, बुढ़ापे में इंसान चैन से खा भी नहीं सकता है। सुधा मुस्कुराते हुए उनके कमरे से बाहर चली गई। वो अपने कमरे में आ गई। उसने अपने कपड़े बदले, अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेटा, अपना पर्स और मोबाइल लिया और घर से बाहर निकलती हुई अपनी सास से बोली, मम्मी जी मैं आती हूँ, और कुछ याद आए तो फोन कर लीजिएगा। सरला जी अपने कमरे से ही बोली, ठीक है जल्दी आ जाना। सुधा बाहर आई, उसने हेलमेट पहना और स्कूटी स्टार्ट करके घर से निकल गई। राशन का सामान तो उसने जल्दी से ले लिया, लेकिन मंडी में ज्यादा भीड़ थी तो उसे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। लाल वाले अमरूद ढूंढते हुए वो बाजार के आखिरी छोर तक चली गई। तब जाकर उसे अमरूद के दर्शन हुए। वापसी में हलवाई के यहाँ से उसने गुलाब जामुन पैक करवाया और जल्दी से उसने स्कूटी घर की ओर दौड़ा दी। उसने कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली तो 12 बजने वाले थे। थोड़ी ही देर में लंच का समय भी होने वाला था। उसने स्पीड थोड़ी और बढ़ाई, लेकिन चौराहे पर बहुत भीड़ थी, वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तभी उसकी सास का फोन आ गया। सुधा ने फोन रिसीव किया तो सरला जी झुंझुलाते हुए बोली, अरे बहू कहाँ घूम रही हो अभी तक? कितनी देर हो गई, मुझे भूख भी लगने लगी है, कब आओगी? तो कब खाना बनेगा और कब मुझे खाना मिलेगा? सुधा ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, मम्मी जी बस आ रही हूँ, चौराहे पर बहुत जाम लगा है, वहीं अटकी हुई हूँ, आप एक काम करिए ना, दाल चावल चढ़ा दीजिए, तब तक मैं आती हूँ। सरला जी कठोर स्वर में बोली, कौन, मैं दाल चावल चढ़ाऊं? तुम्हारा काम मैं क्यों करूं? सुधा को ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। उसने उदास स्वर में कहा, ठीक है मैं ही आकर अपना काम कर लेती हूँ। उसने फोन रख दिया। तन की थकान तो थी ही, सास की बात से मन भी शिथिल पड़ गया। जब तक वो घर पहुंची तो भूख से उसकी भी हालत खराब हो गई थी। उसने सास के कमरे में जाकर देखा तो वो ड्राई फ्रूट खाने में लगी हुई थी। वो सुधा को देखते ही बोल पड़ी, कितनी देर लगा दी तुमने, अब जाओ जाकर खाना बना लो जल्दी से। सुधा ने कहा, जी मम्मी जी, वो आपके अमरूद ले आई हूँ, अभी काट कर दे दूँ क्या? सरला जी खुशी से बोली, हाँ हाँ दे दो। सुधा रसोई में गई, उसने अमरूद काटे और एक प्लेट में सजाकर अपनी सास को दे आई। फिर उसने दाल चावल धोकर कुकर में चढ़ाया, उसे भी भूख लग रही थी तो उसने भी एक अमरूद काट कर खा लिया, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। फिर वो सब्जियां काटने लगी, जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया। तभी उसकी ननद प्राची का फोन आ गया। वो उससे बातें करते हुए सासू माँ के लिए खाना परोसने लगी। उसकी सास रसोई में झांकने चली आई कि बहू किससे बात कर रही है। जब सरला जी को पता चला कि प्राची का फोन आया है तो उन्होंने सुधा के हाथ से फोन ले लिया और खुद बेटी से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन रख दिया और सुधा से बोली, बहू जरा मूली भी काट लेना।
सुधा खाने के साथ मूली, गाजर और प्याज का सलाद भी काट लाई। सरला जी खाने लगी। सुधा रसोई में जा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर दूध वाला खड़ा था। उसने सुधा से कहा, मैडम जी हम गांव जा रहे हैं, हमारा इस महीने का हिसाब करके पैसे दे दो। सुधा उसका हिसाब करके पैसे देने लगी। तब तक सरला जी ने खाना खा लिया था। वह रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि रसोई अस्त व्यस्त और गंदी पड़ी हुई थी। एक दो मसाले के डब्बे भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, अरे बहू रसोई इतनी गंदी क्यों रखी है। सुधा तेज कदमों से रसोई में पहुंची और बोली, अभी साफ कर देती हूँ मम्मी जी। सरला जी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितनी आलसी हो गई हो तुम, एक काम समय से नहीं कर पाती हो। तुम मेरी बेटी से सीखो काम कैसे किया जाता है। तुम्हारी ननद तो रसोई कितना साफ रखती है और एक तुम हो। सुधा की आंखें नम हो गई। न चाहते हुए भी वह बोल पड़ी, मम्मी जी काम करने में रसोई इतनी तो बिखरती ही है, और आपको कैसे पता चला कि ननद जी रसोई कितनी साफ रखती हैं? सरला जी झट से अपना स्मार्टफोन ले आई और प्राची की स्टेटस में लगी फोटो दिखाते हुए बोली, ये देख प्राची ने रसोई में सेल्फी ली है, देख तो उसकी रसोई कितनी चमक रही है। सुधा ने अपना सिर पीट लिया। अब फोटो में जो दिख रहा है जरूरी तो नहीं कि पूरे समय रसोई वैसी ही रहती हो। उसने सोचा, सास से बहस करना बेकार है, इन्हें बिखरी हुई रसोई तो दिखी लेकिन मैंने भूखे पेट में इनके लिए इतने प्यार से खाना बनाया वो नहीं दिखा। वैसे भी सरला जी की आदत थी कि वो हर बात में अपनी बेटी के काम को बहू के काम से श्रेष्ठ ही बताती थी। शुरुआत में तो सुधा को बहुत बुरा लगता था लेकिन अब वो सास की बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाती थी। प्राची की शादी को अभी साल भर ही हुए थे। वो अपने पति के साथ आगरा में रहती थी और उसके ससुराल के बाकी लोग मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। प्राची बहुत दिनों से माँ से जिद कर रही थी कि वो उसके यहाँ घूमने के लिए आए। प्राची सरला जी को आगरा घुमाना चाहती थी। सरला जी के मन में भी बेटी की सुखद गृहस्थी को नजदीक से देखने की इच्छा थी, इसलिए 20 दिनों के लिए वो बेटी के यहाँ पहुंच गई। दोनों माँ बेटी मिलकर बहुत खुश हुई। पहले दिन तो प्राची ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। सरला जी भी बाहर का स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश हुई। रात को भी सरला जी बेटी के साथ बाहर घूमने गई तो चाट और समोसे से ही पेट भर गया। सरला जी को शुरुआत में बेटी के यहाँ बहुत अच्छा लगा। सजा सवरा घर था, हर एक चीज कायदे से रखी हुई थी और रसोई देखकर तो उनका मन प्रसन्न हो जाता कि बेटी ने अपनी रसोई कितनी चमकती हुई रखी है। लेकिन जल्दी ही उन्हें उस चमकती हुई रसोई का रहस्य भी समझ में आ गया। प्राची रसोई का ज्यादा प्रयोग ही नहीं करती थी तो रसोई क्या खाक गंदी होती। प्राची या तो बाहर से खाना मंगवा लेती थी या वो लोग ही बाहर जाकर खा लेते थे। बड़ी मुश्किल से प्राची कभी चाय बना लेती या दूध गर्म कर देती और कभी कभी उपमा, चीला या ओट्स बना लेती थी और तुरंत बर्तन धोकर रसोई साफ कर देती थी। सरला जी ने दबी जुबान में बेटी को समझाया भी कि ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्राची ने माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोज रोज बाहर का खाना खाने से सरला जी का मन उब गया था और उनका पेट भी खराब रहने लगा था। 12 दिनों के अंदर ही वह अपने घर वापस जाने को तैयार हो गई। बेटी दामाद ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने अपने घर आकर ही चैन की सांस ली। सुधा ने पहले से ही घर पर सास का मन पसंद खाना तैयार कर रखा था। बैंगन का भरता, आलू गोभी की मसालेदार सब्जी, दाल, चावल और गर्मा गर्म रोटी देखकर सरला जी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने भर पेट भोजन किया और तृप्त भाव से रसोई में सिंक में बर्तन रखने पहुंची। आज भी रसोई में कुछ सब्जियों के छिलके गिरे थे, सामान भी थोड़ा अस्त व्यस्त था लेकिन आज उन्हें बहू की रसोई गंदी नहीं लग रही थी। चमकती रसोई से बेहतर यह रसोई थी जहां उनकी बहू प्यार से सभी के लिए तीनों टाइम भोजन बनाती थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो भी रसोई में बहू की मदद कर दिया करेंगी। दोस्तों, व्यवस्थित रसोई अच्छी तो लगती है लेकिन रसोई थोड़ी बहुत वहीं बिखरती है जहां खाना बनता है, इसलिए थोड़ी बिखरी रसोई के लिए ताने नहीं देने चाहिए बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए कि कम से कम खाना बनता तो है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।